नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाले फ्री लैपटॉप के बारे में। बिहार सरकार अपने छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है ताकि छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे लोगों को जो है यह फ्री में लैपटॉप देने पर विचार कर रही है। अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो है बिहार सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है वहां पे जाकर आपको आवेदन करना होगा। योजना का लाभ लेने वाले युवाओं को सबसे पहले कुशल युवा ट्रेनिंग में भाग लेने वाले के साथ साथ छात्रों एवं छात्राओं को उनकी ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के पश्चात जो है उन्हें मुफ्त में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। सरकार का यह भी उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को लैपटॉप देना है जिससे कि छात्र अपनी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि किन्हें मिलेगा लैपटॉप का लाभ। लैपटॉप प्राप्त करने के लिए युवा को 10वीं व 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। बिहार राज्य के मूल निवासी युवाओं को लैपटॉप मिलेगा। योजना का लाभ वही ले सकेंगे जो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए होंगे। सरकारी स्कूल के शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। राज्य के 30 लाख से भी अधिक बच्चों को यह लैपटॉप जो है वह दिया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो है कौन कौन से होंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में जो है जो बातें कही गई है कि आवेदन के दौरान जो है आप किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें जो है आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, 12वीं कक्षा के मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध रहना चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हो तो, क्योंकि इन सब चीज़ों को जो है अपलोड भी करना होगा। कैसे करें आवेदन? योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट 7nischay.yuva.pmmission.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां पर आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। आपको फॉर्म में सभी प्रकार की जानकारी जो है वहां पे जो खुलकर सामने आएगा उसमें भरना होगा और उसके बाद जो है उसे सेंड कर देना होगा। उसके बाद जो है आपको पास एक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें जो है OTP आएगा। यहाँ पे जो है OTP पे क्लिक करने के बाद जो है साफ तौर पे आपके मोबाइल पे जो है OTP आएगा। उस OTP को फिल करने के बाद आप जो है आपसे आवश्यक दस्तावेज के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से दस्तावेज जो है वो अपलोड करने हैं। वहाँ पे साफ आपको जो है आइकॉन के रूप में दिखने लगेगा। आप जो है जब दस्तावेज अपलोड कर देंगे तब जो है वहाँ पे आपको नीचे में जो है सबमिट बटन जो है वहाँ पे साफ तौर पे दिखने लगेगा और उस पर जब क्लिक करने के बाद जो है आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो एक बार फिर से अगर हम देख लें तो सरकार बिहार सरकार की तरफ से जो वेबसाइट है 7nischay.yuva.pmmission.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में न्यू एप्लीकेंट यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको आपका पूरा पंजीकरण के साथ जो है पूरा फॉर्म खोलकर सामने आएगा। उसे जब आप फिल कर देंगे तो उसे फिल करने के बाद वहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा। OTP पे क्लिक करने के बाद आप जो है मोबाइल पे जो है आपका OTP आएगा। उसे भरने के बाद जो है आप जैसे ही OTP आप फुलफिल करेंगे तो आपसे जो है साफ तौर पे ये पूछा जाएगा कि डॉक्यूमेंट जो है अब अपलोड करना हो। वहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के साथ कई अलग अलग डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। इसके बाद जो है आपकी आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी होगी, क्योंकि अब जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तब सबमिट का बटन आएगा और यह आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप फ्री में लैपटॉप पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो अर्हता है हमने आपको ऊपर में बताया है उसे आप खास करके ध्यान दें। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।